हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेब डेवलपर होता कौन है। तो यहाँ पे बेसिकली वेब डेवलपर एक इंसान होता है या एक पर्सन होता है जिसको वेब पेज बनाने आता है। तो वेब पेज बनाते कैसे ही आपको पता होगा, HTML, CSS, JavaScript, ये सबको यूज़ करके वेब पेजेस बनते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वेब डेवलपर एक ऐसा इंसान होता है जो वेबसाइट्स बनाता है या वेब पेजेस बनाता है, बराबर। तो अभी वेबसाइट्स क्या होता है, वेबसाइट एक इंटर कलेक्शन होता है, मतलब कि बहुत सारे वेब पेज बना के एक वेबसाइट बनती है। और वेब पेज क्या होता है, जो एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि HTML, CSS और JavaScript से बना हुआ रहता है। तो बेसिकली है ना, क्या होता है ना कि यहाँ पे है ना, बेसिकली आप समझ लो, अगर आपने IT पढ़ा रहे हैं ना, तो उधर पे है ना आपको HTML, CSS और JavaScript को यूज़ करके एक वेब पेज बनाना रहता है, बराबर। तो ये बेसिकली वही होता है वेब पेजेस। तो यहाँ पे वो जो भाषा है ना, मतलब HTML, CSS और JavaScript, ये तीन भाषा ही आपके ब्राउज़र को समझ में आती है, तो ही आप वेब ब्राउज़र पे वेब पेजेस लोड कर सकते हो। अगर आपने PHP या कुछ और यूज़ कर लिया तो वो ब्राउज़र को समझ में नहीं आएगी। लेकिन बैकएंड पे भी काम होता है, वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है वो, बराबर। तो अभी तक के लिए इतना समझ लो कि वेबसाइट्स वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, और वेब पेजेस जो कि HTML, CSS और JavaScript से बने रहते हैं, बराबर। फिर यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर। यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके के वेब डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। तो अभी फ्रंट एंड क्या होता है हम लोग वो देखते हैं, बराबर। फ्रंट एंड वेब डेवलपर, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर बेसिकली जो आपको दिखता है, मतलब क्लाइंट को दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्राउज़र पे जाते हो, सर्च करते हो google.com, facebook.com, तो जो भी सारी चीज़ें आपको दिखती है वो काम होता है फ्रंट एंड का, बराबर। फिर यहाँ पे ये जो आप देखते हो, जैसे कि मतलब कि आप HTML, CSS, JavaScript देखते हैं ना, ये तीन मेन लैंग्वेज से जो पूरा वेब पेज है वो बना रहता है। तो ये पूरा कोड करने का काम होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर का। आप समझ सकते हो कि ये क्लाइंट साइड पे काम करता है, सिंपल। फिर तो यहाँ पे इसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए, सबसे पहले HTML, HTML5, CSS, CSS3 और JavaScript, ये तीन बेसिक स्किल है, ये आपको आनी चाहिए अगर आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आनी चाहिए आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि रिएक्ट JS, लाइब्रेरी सोची कुछ, jQuery है और बूटस्ट्रैप है और भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो तो आपको HTML, HTML5, CSS, CSS3 और JS, मतलब JavaScript, ये तीनों आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML आपको 90% तक आना चाहिए, CSS 80% तक आना चाहिए, JavaScript 40-50% तक आना चाहिए आपको, तो आप अच्छे वेबसाइट बना सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप इतना सीख जाते हो, फिर कुछ लाइब्रेरीज है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, जैसे कि बूटस्ट्रैप है और jQuery है, ये दो चीज़ पे। और जो React JS है, मतलब फ्रेमवर्क्स है ना, उसको आप लास्ट में ट्राई कर सकते हो अगर करना है तो, बराबर। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि एक प्री प्रोसेसर रहता है SAS करके, तो ये आपको आना चाहिए। वर्जिन कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए। बेसिकली वर्जिन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, देखो अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेब पेज बनाया, वेबसाइट बनाया, बराबर। तो मैंने उसको कहीं स्टोर कर दिया और फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए और मैंने उसको मेरे वेबसाइट पर डाल दिया, बराबर। लेकिन वो चेंजेस के कारण मेरा जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गया, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जो पहले जो वर्जिन है मेरे को उसके ऊपर स्विच होना होगा, तो वो कहीं ना कहीं बैकअप होना चाहिए। तो ये हम लोग बेसिकली गिटहब पे बैकअप रखते हैं। अगर आप फ्रंट एंड सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या होता है। तो हम लोग है ना गिटहब पे पूरा बैकअप रखते हैं वेबसाइट का। तो अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ और क्रैश हो जाता है तो मैं ओल्डर वर्जिन जो है उसको उठा के वापस डाल सकता हूँ। और फिर आता है रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है। देखो अभी मेरा एक वेबसाइट है, मैंने PC में खोला तो थोड़ा अलग दिख रहा है, टैबलेट में खोला थोड़ा अलग दिख रहा है, और मोबाइल में खोला थोड़ा अलग दिख रहा है, तो वो होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अभी फॉर एग्जाम्पल लिए अगर आपने HTML सीखा रहेगा तो हम लोग के पास 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, बराबर। तो यहाँ पे ये जो H6 तक जो है उसके साइज़ अलग अलग रहते हैं, बराबर। लेकिन अभी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बनाया और डेस्कटॉप के लिए उसके अंदर लिखा H1, तो H1 तो पूरे वेबसाइट पर जाएगा, लेकिन अगर मैं फ़ोन में जाऊँगा तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरे को उसको छोटा करना होगा ना, तो बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है, बराबर। अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग के पास आता है बैकएंड डेवलपर। तो बैकएंड डेवलपर कौन होता है, देखो अभी यहाँ पे जो है ना, हम लोग ने मतलब कि जो ब्राउज़र पे चीज़ें होती है वो काम होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर का, और जो सर्वर पे काम होता है वो है बैकएंड डेवलपर का काम। अभी सर्वर के पे काम, मतलब कि सर्वर बेसिकली आप समझ सकते हो कि एक कंप्यूटर ही रहता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने होस्टिंग से लिया रहेगा ना, तो उन लोग के पास एक कंप्यूटर है, उसमें कुछ स्पेस आपको वो अलॉट कर देंगे, या फिर पूरा का पूरा वो कंप्यूटर ही आप खरीद लोगे, भाड़े पे ले लोगे आप बोल सकते हो, बराबर। तो वो सर्वर साइड पे काम करते हैं, बैकएंड डेवलपर। अभी अगर आपको थोड़ा और डीप में जानना है तो इतना समझ लो कि बैकएंड डेवलपर का काम होता है सर्वर पे काम करना। सर्वर पे क्या क्या चीज़ें होती है, डेटाबेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बराबर। तो उस पर काम करना का काम होता है बैकएंड डेवलपर का, बैकएंड वेब डेवलपर का। अभी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे वेबसाइट बनाया, तो फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन डिटेल्स बनाए, साइनअप और लॉगिन का पेज बनाया। अभी साइनअप लॉगिन का पेज बनाने का काम है फ्रंट एंड वेब डेवलपर का, और उसको अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया आयुष, और फिर पासवर्ड कोई भी एक्स वाई जेड डाल दिया, बराबर। तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा डेटाबेस में। तो ये जब भी मैं कोई इनपुट करूँगा तो वहाँ से डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, और फिर डेटाबेस से अगर मेरे को लॉगिन करना है तो वो सारी चीज़ें कैसे होगी, ये सारा काम होता है बैकएंड डेवलपर का, बराबर। ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे स्किल्स क्या क्या लगता है आपको बैकएंड डेवलपर के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफकोर्स कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी फ़िलहाल नोड जेएस और ये सब बहुत चल रहे हैं, पीएचपी, ये भी आप सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो। तो मतलब एक दो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर डेटाबेस आना चाहिए, डेटाबेस में बेस्ट पॉपुलर है माई एसक्यूएल, आपको कंप्यूटर पे भी माई एसक्यूएल आप यूज़ कर सकते हो, आई थिंक सो, मेरे को अभी परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटाबेस आपको आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए बैकएंड डेवलपर के लिए। फिर यहाँ पे आपको एपीआई का यूज़ करना आना चाहिए। एपीआई बेसिकली आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक न्यूज़ एपीआई है, बराबर। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ एपीआई का यूज़ करके मेरे वेबसाइट पे मैं अभी का वेदर बता सकता हूँ, बराबर। ये समझ में आ गया। फिर वेबसाइट सिक्योरिटी, वेबसाइट की सिक्योरिटी का भी काम बैकएंड डेवलपर का होता है। अब एसएसएल वगैरह चीज़ें होती है वो फ्रंट एंड में हो जाती है, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें रहती है जो कि काम बैकएंड डेवलपर का होता है। तो यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता हो, इसके अंदर डेटाबेस भी आ गया और क्लाइंट साइड भी आ गया, सर्वर साइड भी आ गया, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास तीन कोर्स रहते हैं, या फिर दो कोर्स आप बोल सकते हो, एक होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर का और एक होता है बैक एंड डेवलपर का। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में आपको आपको चीज़ें दिखाई देगी कि अगर आप कोई बटन बना रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि बटन कैसा दिख रहा है, क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बैक एंड पे काम करते हो तो आपको पूरा का पूरा सर्वर पे काम करना होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे आप लोकल सर्वर बना सकते हो, लेकिन जो सर्वर पे काम होता है वो अलग तरीके का काम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रीफर करूँगा, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर सीख लो, उसके बाद जॉब लग जाओ, फिर उसके बाद आप बैक एंड पे जाओ। तो यहाँ पे फुल स्टैक का ही मोस्टली जो वेब डेवलपर रहता है ना, वो फुल स्टैक का ही सोच के चलते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको जॉब रेडी होना है तो फ्रंट एंड सीखो पहले, फिर बैक एंड सीखो, बराबर। तो यहाँ पे फ्रंट एंड जैसे ही आप सीख लोगे तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप बैक एंड सीख सकते हो उसके साथ ही, बराबर। तो यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब है, आप जिससे वीडियो देख रहे हो, तो आप सर्च करो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स ऐसा कुछ सर्च करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो। तो यहाँ पे ये जो यूट्यूब पे वो फ्री है, और कुछ पेड भी रहते हैं, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल यूडेमी पे ले लो, कोर्सेरा पे ले लो, वहाँ पे भी फ्री मिल जाएगी और कुछ पेड भी रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए पर्सनल कोचिंग क्या होता है कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर वेब डेवलपमेंट आता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब कि एक वेब डेवलपर के द्वारा आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, बराबर। तो आप पर्सनल कोचिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ बेस्ट चैनल्स है जो आपको फ्री में देते हैं, जैसे कोडविक थैरी है, याहू बाबा है, बहुत सारे हैं, तो आप उनको प्रीफर कर सकते हो अगर फ्री चाहते हो तो। और अगर आप पेड करना चाहते हो तो आप हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स करके है, और एक है अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अगर मेरे को नाम मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स है, और आप यूडे में भी जाके भी सर्च कर सकते हो, बराबर। तो फ्रंट एंड के अभी मैं क्या बोलता हूँ कि आप है ना सबसे पहले कुछ टाइम तक फ्री में सीखो, मतलब कि आपको यूट्यूब पे जो फ्री में मिल रहे हैं कुछ टाइम तक सीखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो पेड वाला लो। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से ही पेड वाला पे जाओगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पहले फ्री में सीखते हो थोड़ा बहुत और फिर पेड पे जाते हो ना, तो पेड में जाने के बाद आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, तो थोड़ी एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेगी, बराबर। फिर बैकएंड में भी सेम चीज़ें हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैकएंड करना चाहते हो तो सबसे पहले फ्री वाली चीज़ें देख लो, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेड पे जाना,
तो यहाँ पे उसके बाद आप जॉब रेडी हो जाते हो। तो आई होप आपका समझ में आ गया रहेगा कि वेब डेवलपर कोर्स क्या होता है, कैसे बनते हैं वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्किल्स लगती है। और अभी यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे वेब डेवलपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप फिफ्थ पास हो, सिक्स पास हो, तो भी आपको वेब डेवलपर हायर कर लेंगे। क्यों? क्यों करके यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं रहती। आप 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट की जर्नी को, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप अभी फॉर एग्जांपल 8th 9th में हो, तो मैं बोलता हूँ कि आप है ना 11th के साथ साथ करो, मतलब 11th भी करो और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स भी करो। तो ये दोनों एक साथ करोगे ना, दोनों पैरेलली करोगे ना, तो यहाँ पे देखो 11th की ज़्यादा पढ़ाई रहती है, तो उसके साथ आप फ्रंट एंड मैनेज कर सकते हो, ये एकदम इजी चीज़ है। तो आप उसके साथ करोगे ना, तो आपको एक एडवांटेजेस भी रहेगा कि 11th में अगर आपने आईटी लिया रहेगा तो आईटी में सेम चीज़ें ही रहती है, तो आपको वो फ्रंट एंड आता रहेगा, तो आप सर को या थोड़ा सा टीचर को आप बोल सकते हो ना कि देखो सर मेरे को ये आता है वगैरह वगैरह। तो मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, आपको कैसे बनना होगा, ये सारी चीज़ें। तो थैंक फॉर वॉचिंग, दूसरे को कैसा हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो अगर करना है तो।